इस समय हम खड़ा है उस सुनसान भुतिया घर के सामने। हमें किसी के होने का एहसास हो रहा है। वो क्या था? क्या कर रहे हो तुम? चुप रहो, धीरे धीरे बात करो, वो भूत हमें सुन लेगा। भूत? भूत जैसा कुछ नहीं होता। मैं साबित करके रहूंगा कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। ऐसी बातें मत करो बुबू बॉय, कहीं वो हमारे सामने ना आ जाए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तुम ही उसे रिकॉर्ड करना चाहते हो ना? हाँ वो तो है, पर मैं हे भूत, बाहर निकलो। गोपाल तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहता है जो वो इंटरनेट पर पोस्ट करेगा और तुम फेमस हो जाओगे। मैंने कहा था ना बॉस, आपने उसे ऐसे क्यों कहा? देखिए अब वो भड़क गया है। मुझे नहीं पता था कि ये भूत इतना सेंसिटिव है, मेरा वो मतलब नहीं था। अब हम क्या करें? ओ नहीं! तुमने सुना या नहीं, वो तुम्हें फेमस करना चाहता है। ये सब उसे मत बताओ। अब हम नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। वो जान गया हम वीडियो इंटरनेट पर डालेगा। अब तो हम गए काम से। हमने उसका आईना तोड़ दिया है। आओ चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर? मामा, पापा, अगर हम वापस नहीं आया तो प्लीज मेरा मैथ्स होमवर्क कर देना, जो कि पेज 35 पर है, उसे कल सबमिट भी कर देना। जल्दी करो गोपाल। रुको, हम भी आ रहे हैं बुबू बॉय। घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा बॉस। लगता है वो आवाज इसी कमरे से आई थी। मत करो बुबू बॉय। इसी कमरे में मिस्टर भूत, प्लीज, ये ज्यादा टेस्टी है। मैं तो बस एक रोबोट हूँ, मेटल का बना, कोई स्वाद नहीं, मसाला भी नहीं। एक अजीब से सर वाला गॉब्लिन। क्या फिर से तुम लोग? मैं जानता था तुम दोनों यहाँ भूत बनकर आते जाते लोगों को परेशान कर रहे थे, है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। हम तुमसे कितनी बार बुलाया बुबू बॉय, ये भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है। क्या आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए बॉस, मुझे लगता है भूत बुबू बॉय बनकर आया है। चुप करो, ये बुबू बॉय ही है, मैं इसकी गन दूर से भी पहचान सकता हूँ। अच्छा, आप नाक के बिना भी सूंघ सकते हैं। हम दोनों को मिले 6 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी तुमसे हारने के बाद मैं एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया हूँ। बस करो, तुम ये भूत बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमें स्कूल से आते वक्त डराने की? आखिर मैंने कब तुम्हें डराया और मैंने कब भूत बनने का नाटक किया? हाँ हाँ, मेरे बॉस बुरे जरूर है, लेकिन भूत जितने बुरे नहीं है। ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, लाइटनिंग बोल्ट अटैक। तो तुम्हें लड़ना है मुझसे। शैडो स्ट्राइक। तुम फिर से आ गए? हाँ, तुम इसे जानते हो? और नहीं तो क्या, ये है। चुप करो। शैडो टाइगर। यही वो भूत है जिसने उस दिन हम पर हमला किया था। भागो ब्रो, भागो। पीछा करो। अब है तुम्हारी बारी। अब तो हम गया बुबू बॉय। हे, तुम्हें ये पावर्स कहाँ से मिली? और तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या कहा हम? मैं हमला करने वाला हूँ सिर्फ तुम पर। हाँ, मुझ पर मैंने क्या किया? क्या तुम्हें पता नहीं, उस दिन मेरा स्कूल में पहला दिन था। मैं होमवर्क, मैं स्टूडेंट,
नया स्टूडेंट है। तुझे इससे दोस्ती करनी है। कौन है? कितना कूल है। स्टाइलिश है। पर बोबो बॉय होता ना तो वो इससे भी कूल होता। हाँ, तुमने सही कहा, वो ज्यादा कूल है। हाँ? ये नया लड़का बोबो बॉय के सामने कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे बेहतर हो। छोड़ो भी, वो तो बस एक ही बार हुआ है और तुम वही लेकर बैठा हुआ है। क्या, सिर्फ एक बार? 2 महीने पहले ठीक 9 बजे मैथमेटिक्स क्लास में। तुम में से कौन सा बहादुर बच्चा इस मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? तो बताओ क्या है सही जवाब? 15। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। कितना स्मार्ट है ना। आखिर वो मेरा स्टूडेंट है। अगर बोबो बॉय होता तो वो और भी स्मार्ट होता। हाँ, बोबो बॉय तो बहुत इंटेलिजेंट है, 2 मिनट में सॉल्व कर देता। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बोबो बॉय स्मार्ट से भी स्मार्ट है। मेरे पास आओ बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे बोबो बॉय और मेरी मुलाकात हुई। बताइए। उसके बाद तुम्हारे बारे में मिस्टर पापा जोला पूरे 3 घंटों तक बोलते रहे। हा? सच में पापा जोला ने मेरे बारे में क्या बताया? बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो तुम मुझसे जानना चाहते हो? अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लो शैडो टाइगर हमला। हमला करते रहो। तो ये बात है। हा, बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म। बोबो बॉय ये सब आसानी से कैसे कर लेता है? ये शैडो फॉर्म, शैडो टाइगर बाउंस, स्टॉर्म सोर्ड स्ट्राइक। Surrounding Shadow, Hamla! Bobo Boy Cyclone! तुम्हें लगता है मुझसे बचकर भाग जाओगे? ये क्या है? अब पता चल गया ना कि यहाँ कौन बेहतर है? कितना स्टाइलिश है ये। आखिर तुम बच कैसे गए? कहाँ गया वो? लगता है वो भाग गया। भाग गया? चैंग डरपोक कहीं के। उसका नाम फैंग है। ओ, अच्छा, फैंग डरपोक कहीं के। डरपोक, तुम लकी हो के सूरज ढल गया।